सोलन में राज्य स्तरीय महिला दिवस का आयोजन। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की शिरकत। कई महिलाओं को किया गया सम्मानित। मेट्रोपोल में विधायक कुलदीप राठौर ने किया कार्यालय का शुभारंभ। छियो के मतियाना में सब तहसील को नोटिफाई करने की उठाई मांग। मौके पर तमाम समर्थक रहे मौजूद। कुल्लू में राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर तिब्बतीयकारी रैली। चीन के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। तिब्बत की आजादी के लिए उठाई आवाज। सिरमौर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन। जनता को बाल अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। पॉक्सो के बारे में किशोरियों को दी गई जानकारी। मंडी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशा तस्कर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कबाड़ियों से 11.5 किलो चरस बरामद। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णु सोनी। वक्त तो चला बुलेटिन का, शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होने वाला है। 14 मार्च से 6 अप्रैल के बीच चलने वाले इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी, जिसमें आपको बता दें कि हिमाचल की सुक्खू सरकार का यह पहला बजट सत्र है और विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारियां भी लगभग कर ली है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 14 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। वहीं 17 मार्च को मुख्यमंत्री सदन में बजट पेश करेंगे और 23 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी और 29 मार्च को सदन में बजट पारित किया जाएगा। अभी तक बजट सत्र के लिए विधायकों की तरफ से 543 तारांकित जबकि 179 आंतरिक प्रश्न मिल चुके हैं। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस सत्र में कुल मिला के 18 बैठकें होंगी। 14 मार्च 2023 को चूंकि ये पहला दिन है, इसलिए प्रश्न काल से पहले शोको उद्गार होते हैं, ऑबिचुरीज होती हैं और इस बार एक माननीय सदस्य हमारे बीच में जो पूर्व सदस्य हैं वो नहीं रहे हैं, श्री मनसाराम जी, उनके शोका उद्गार होंगे उस दिन। और 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जो है सत्र में वो बजट पेश करेंगे। सभी दलों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुला रहे हैं। 17 मार्च से बजट पेश करेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू का ये पहला बजट होगा। इसी के साथ आपको बता दें बड़ी जानकारी शिमला से सामने आ रही है, जिसमें 189 अंतरंकित प्रश्न होंगी। वहीं सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल मौजूद रहे। इस दौरान धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और उनकी सराहना भी की। साथ ही एड्स जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आपको बता दें इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। मैं समझता हूं कि आज के युग में जो संविधान कहता है कि पुरुष और नारी बराबर हैं, उनका दोनों का हक है, राजनीति में भी, समाज में भी, और ऑफिस और फैक्ट्रीज और दूसरी जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है सब जगह उनको पूरा अधिकार मिले। वही हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि नॉट ओनली नारी पर सभी लोग जो काम करते हैं उनका समय निर्धारित किया जाए। वहीं शिमला में कार्यालय न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए आज मेट्रोपोल में विधायक कुलदीप राठौर ने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर काफी तादाद में विधानसभा क्षेत्र से समर्थक मौजूद रहे और कार्यालय खोलने पर कुलदीप राठौर को बधाई भी दी। अब यहां पर किसी भी समय विधानसभा क्षेत्र से लोग आकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनका समाधान करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा और यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता भी मिल सकते हैं। साथ ही पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसका भविष्य तय किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ विधायक कुलदीप राठौर ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने चुनावों के समय जो भी गारंटियां प्रदेश की जनता को दी है उन्हें सरकार पूरा करेगी और इसको लेकर सरकार ने कार्य शुरू भी कर दिया है। जहां तक अडानी की बात है, अभी जो अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिस तरह से हमारे जो संस्थान है, हमारी जो LIC है,
वो घाटे में गई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार का दबाव था कि अडानी को जो है ऋण दिया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घोटाला है और संसद के अंदर जो हमारे सांसद है उन्होंने मांग की, कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में तिब्बती समुदाय के लोगों ने 64वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया। वहीं ढालपुर के मैदान में चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। साथ ही तिब्बती सहायता समूह के उप सलाहकार पेमा नामग्याल ने कहा कि तिब्बती और उनके समर्थक निस्वार्थ बुजुर्ग पीढ़ी द्वारा शुरू किए गए बहादुर संघर्ष के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं और उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। तिब्बत के हजारों लोगों ने 64वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर कुल्लू में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही तिब्बत के लोगों पर चीन के अत्याचारों का विरोध भी किया। आपको बता दें वहीं लोगों ने आजादी की भी मांग की है। तिब्बती सेटलमेंट अधिकारी डुपतन छोपेन ने कहा कि इसी दिन साल 1959 में तिब्बतियों ने तिब्बत पर चीनी सरकार के कब्जे के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया था। उसको लेकर आज कुल्लू जिला में रैली निकालकर तिब्बत की आजादी के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। चीन ने तिब्बत में तिब्बती संस्कृति और मठों को नष्ट किया है, इसका तिब्बती समुदाय विरोध भी करता है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1,300 टिबेटन रेफ्यूजीज रह रहा है, इसीलिए आज हम 1959 में जो तिब्बत का अंदर चाइना घुस के फिर वो कैप्चर करने का प्लान बनाया, उसी दिन से हमने जुलूस लगाया। वो रिमेम्बर्स के लिए हम आज 10 मार्च के लिए अब 1959 से अभी तक लेके 64th एनिवर्सरी आज। वहीं मंडी में छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय वल्लभ कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के सहमंत्री अमन ठाकुर ने कहा कि लगातार 2 से 3 बार छात्रों के विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन किसी भी प्रकार की मांगों पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके चलते आज कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लगातार छात्रों की समस्याओं को लेकर ध्यान केंद्रित भी किया जाता रहा है। इस दौरान छात्रों ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जानते हैं कि आज विद्यार्थी परिषद धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनमें से हमने कई मुद्दे उठाए थे और इसी के चलते हमने इस कॉलेज प्रशासन को 2 से 3 बार भी ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य मुद्दे ये भी थे कि जैसे आप देख सकते हैं कि मंडी विश्वविद्यालय में 7 से 8 हजार की संख्या है, लेकिन अभी तक इस महाविद्यालय में एक भी डस्टबिन की सुविधा नहीं है और इसी के साथ गैर शिक्षक वर्गों के पद बहुत से खाली पड़े हुए हैं, जिसके चलते एक टीचर को ही 4-4 क्लासें पढ़ानी पड़ रही है। वहीं सिरमौर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला बाल संरक्षण इकाई काउंसलर प्रवीण अख्तर ने चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, किशोर न्याय अधिनियम 2021 और नशाखोरी पर जानकारी दी। इस दौरान चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 और गुड टच बैड टच के बारे में भी महिलाओं और किशोरियों को विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ कोऑर्डिनेटर चमन सोनी ने पीसीए पीएनडीटी एक्ट और 1994 के बारे में और महिला स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य सुरेश पाल ने चाइल्ड लाइन की कार्य प्रणाली और पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस दौरान कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। मार्च 2023 को ग्राम पंचायत रैली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश, महिला एवं बाल विकास विभाग सिरमौर हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजन समेकित बाल संरक्षण योजना का एक दिवसीय जागरूक शिविर का आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं बाल संरक्षण अधिकारी का धन्यवाद करता हूं और समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं। वहीं धर्मशाला के इंडोर स्टेडियम में इंटर यूनिवर्सिटी वेमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आगाज होने वाला है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 150 टीमों के 1200 महिला पावर लिफ्टिंग हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 12 मार्च तक किया जाएगा, जिसमें विजेता टीमों को पुरस्कार देकर
सम्मानित भी किया जाएगा, साथ ही उनके हौसला अफजाई की जाएगी। आपको बता दें यह पहला मौका होगा जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय संघ को इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजन करने का अवसर मिला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सत प्रकाश बंसल को बधाई दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा खेलकूद को पढ़ाई का हिस्सा बनाकर बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। पहले तो बीसी साहब को बधाई देता हूं, बंसल जी को, कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है कि सारे हिंदुस्तान के जो हमारे भिन्न भिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके जो बच्चे हैं जो कि वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करने चाहते हैं उसका आयोजन जहाँ 3-4 दिन का 12 फरवरी को किया है रिसर्च में अकेडमी में, लेकिन उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है कि खेल कूद भी हमारे सिलेबस का जो है वो पाठ्यक्रम का। वही मंडी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के तस्कर को 11.5 किलो चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंडी शहर का ये नशा तस्कर कबाड़ियों का काम करता है और पुलिस ने इसके घर में रेड कर 2,05,000 नकदी बरामद की है। जी हां, आपको बता दें 16 लाख के गहने, 7 पासबुक और अन्य प्रॉपर्टी दस्तावेजों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और मंडी एसपी ने यह भी बताया कि आरोपियों की फाइनेंशियल प्रॉपर्टी की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया जाएगा और इस टीम को एएसपी लीड करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल की जाएगी। कल जो है पूरा दिन जो 4 टीम्स जो है मंडी जिला के डिफरेंट एरियाज में वर्क कर रही थी और मुझे खुशी है कि जो व्यक्ति काफी लंबी समय से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि मंडी जिला में मंडी शहर में कॉन्ट्रबैंड की सप्लाई में और उसकी पेडलिंग में एक नेक्सस बना के काम कर रहा था, उस पर हम एक अच्छा केस कर पाए हैं। आज दोनों व्यक्तियों को जो है माननीय अदालत में पेश करके उनका फर्दर पुलिस रिमांड लिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इस पूरे मैटर में 1 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है उसको पुलिस द्वारा जो है फ्रीज किया जाएगा और फर्दर इसमें हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।